बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट और यूट्यूबर कमाल आर खान का 36 का आंकड़ा है। फिल्म स्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान हाल ही में थिएटर पहुंची है, जिसके बाद सुपरस्टार सलमान खान पर लगातार कमाल आर खान सोशल मीडिया पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में कमाल आर खान उर्फ KRK ने एक बार फिर सुपरस्टार सलमान खान पर निशाना साधा है। लेटेस्ट ट्वीट में KRK ने दावा किया है कि आखिर क्यों सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 फ्लॉप होने वाली है, जबकि शाहरुख खान की फिल्म जवान हिट का टैग हासिल कर लेगी। KRK ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहा, जवान की कहानी पठान, वार, टाइगर, टाइगर जिंदा है और टाइगर 3 की तरह ही है, इसलिए शाहरुख खान नहीं चाहते कि जवान टाइगर 3 के बाद रिलीज हो। उन्हें लगता है कि लोग एक जैसी स्टोरी को देखकर पक जाएंगे, तो इसलिए ही उन्होंने जवान की रिलीज टाइगर 3 से पहले रखवाई है। हालांकि KRK का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर लोगों को एक्टिव कर गया है। इस ट्वीट के बाद लोग जमकर इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट कर लिखा, शाहरुख खान ने फिल्म की रिलीज डेट टाइटल अनाउंसमेंट के साथ ही कर दी थी, तो एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, पाई यूनिवर्स कभी फ्लॉप नहीं होगा, जबकि एक यूजर ने दावा किया है कि जवान की कहानी स्पाई यूनिवर्स पर नहीं बनी है। बता दें कि जवान इसी साल 2 जून को थिएटर पहुंच रही है। पठान की रिलीज के 5 महीने बाद ही सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने की तैयारी में है, जबकि सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 इसी साल नवंबर महीने तक रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म को मेकर्स 10 नवंबर 2023 के दिन रिलीज करने वाले हैं। ये सलमान खान की टाइगर सीरीज की ही तीसरी फिल्म है, जिसमें कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा कर रहे हैं।